बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 2.4। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, 243 होल पावर माइनस 2/3 इंटू 32 रेज टू पावर माइनस 1/5 196 रेज टू पावर माइनस 1 होल स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखते हैं 243 के जो है वो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। 243 3 से डिवाइड होगा, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 1 9, 3 1 3, 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 5 times 3 आ गया, 3 into 3 into 3 into 3 into 3, होल पार कितनी आ गई, -2/3। सिमिलरली 32, इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 16 2 8 2 4 2 2 1, ये भी 5 times आ गए, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, होल पार -1/5। 196 के इसकी भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 196 2 9 8, 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18, 7 से डिवाइड होगा, 7 7 7 1, 2 into 2 into 7 into 7, होल पार -1 और इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर में हम खत्म कर देते हैं, होल पार कितनी आ जाएगी, 1/2। जब इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में तो इसकी पावर की 1/2 आ गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 1 2 3 4 5, 3 to power 5, होल पार -2/3। इसमें भी देखते हैं हम 2 power 5, होल पार -1/5, और इसकी भी हम पेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 raised to power 2, 7 raised to power 2। अभी हमने पहले पावर की पावर जो है आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, पावर की पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई, -1 और होल पावर 1/2, -1 into 1/2, ठीक हो गया। अब इसमें भी हम नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे कि पावर की पावर जो है वो सबकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 raised to power 5, होल पावर -2/3 इंटू 2 raised to power 5 इंटू -1/5 ओवर 2 raised to power 2 इंटू 7 raised to power 2, होल पावर -1/2, 3 raised to power, अभी को मल्टीप्लाई करें, 3 raised to power -10/3 इंटू, यहां पर कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 raised to power -1, इनको भी दोनों को अलग अलग कर ले, मल्टीप्लीकेशन में आप पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं, 2 raised to power 2 इंटू -1/2 7 raised to power 2 इंटू -1/2, ठीक है, ये कैंसिलेशन हो गई। बाकी देखिए, 3 raised to power -10/3 इंटू 2 raised to power -1 ओवर 2 raised to power -1 इंटू 7 raised to power -1। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट को जो है वो हम नेगेटिव नहीं छोड़ते, एक्सपोनेंट को जो है वो हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव बनाना होता है। तो उसका तरीका कार क्या होगा कि ये फ्रैक्शन के ऊपर है, इसको फ्रैक्शन के नीचे ले जाए, ये भी माइनस में, इनको उठा के ऊपर ले जाए, 2 की पावर +1 हो गई इंटू 7 raised to power +1 हो गई, 3 raised to power -10/3 का फ्रैक्शन नीचे जाएगा तो 10/3 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, 7 ओवर,
अब यहाँ पर देखें 3 raised to power 10/3, अब 3 raised to power 10/3 है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब 3 raised to power 10/3 है, इसके लिए हम ये करते हैं कि देखिए जिस तरह 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 9 1, इसको इस एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लिख लेते हैं 3 raised to power, इसको लिखते हैं 3 plus 1/3, 3 plus 1/3, ठीक है 7 over। अब हमने पढ़ा था कि पावर की पावर जो है वो बेस अगर एक जैसी हो तो पावर्स जो है वो क्या बेस अगर एक जैसी हो तो मल्टीप्लिकेशन पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। अगर पावर ऐड हुई है, इसका ऑपोजिट कर ले कि पावर ऐड हुई है तो उनको मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे 3 raised to power 3 into 3 raised to power 1/3। बेस एक जैसी है तो पावर ऐड होती है ना, इसी तरीके से पावर ऐड हुई है इनको हमने क्या किया अलग अलग करके लिखा 3 raised to power 3 into 3 raised to power 1/3 7 over। 3 raised to power 3, 3 into 3 into 3, 3 3 9, 9 3 27, 3 times को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, 3 का क्यूब रूट, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है।